हेलो मैं तो चली सत संग में राणा, मेरे सोए भागी जगे। जय श्री राधे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे सोए भागी जगे। राणा जी तेरे मेलो में आग लगे, राणा जी तेरे मेलो में आग लगे। हीरा जी को मारने के लिए राणा ने कितना प्रयास किया लेकिन मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो प्रभु का भक्त होता है उसे कौन मार सकता है? जिसे परमात्मा बचाए उसे संसार में कोई मार नहीं सकता। राणा ने विष का प्याला भिजवाया मीरा के लिए, क्योंकि जनता था गलियों में गाती थी, तो उसने विष का प्याला भिजवाया मीरा जी के लिए और दासियों से कह दिया कि कह देना तेरे ठाकुर का भोग लगाया है, कन्हैया के चरणों का ये चरणामृत है, पी लेगी वो। और वो दासियां मीरा जी के पास वो विष का प्याला लेकर आई और मीरा जी से कहा ये तुम्हारे ठाकुर का प्रसाद है। लेकिन मीरा की जो दासी थी उसे पता था, जब वो विष का प्याला देके चली गई तब मीरा की दासी ने कहा ये कोई ठाकुर का प्याला नहीं है, कोई कन्हैया के चरणों का ये चरणामृत नहीं है, ये तो राणा ने मानने के लिए विष का प्याला भेजा है। तो देखिए मीरा जी कितनी सुंदर बात कहती हैं, जब मेरे ठाकुर इस विष के प्याले का भोग लगा चुके हैं, मेरे ठाकुर इस विष के प्याले का भोग लगा चुके हैं, चाहे फिर वो विष क्यों ना हो, फिर वो विष नहीं रहता, अमृत बन जाता है साहब। और इसी विश्वास के साथ पी गई तो वो अमृत बन गया। मैं तो चली वृंदावन राणा, तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली सत संग में राणा, मैं तो चली सत संग में राणा, मेरे सोए भागी जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। घासफूस की कुटिया बनाओगी, घासफूस की कुटिया बनाओगी, सावरिया कोबा में मंदिर बनाओगी, सावरिया
भव्य मंदिर बनाओगी, राजभूषे की कुटिया बनाओगी, राजभूषे की कुटिया बनाओगी, सांवरिया को भव्य मंदिर बनाओगी, सांवरिया को भव्य मंदिर बनाओगी, तुलसी के पेड़ लगे तुलसी के पेड़ लगे, राणा जी तेरे महलों में आग 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 लगे। लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। बोल गोविंद भगवान की जय। और देखिए।